हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टैलेंट एकेडमी में। आज हमारे एकेडमी के खिलाड़ियों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब हम आपको देंगे, और आपको ये भी बता दें कि आप इन जवाबों के साथ अपने आप में होने वाली ढेर सारी कमियों को दूर भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारे साथ ढेर सारे खिलाड़ी खड़े हैं, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस क्या हैं बताइए आपको ये खिलाड़ी। थोड़ा तेज बोलिए जैसे हमारे व्यूअर्स भी देख सके। यानी हाउ टू जज योर बॉल, कैसे आप बॉल को जज करें, इनका क्वेश्चन है। तो इसको हम आपको बता दें कि किसी भी बॉल को जज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको अंडर आर्म नॉकिंग करने की। जब आप अंडर आर्म नॉकिंग करते हैं तो उस दौरान आप तीन लेंथ की बॉलें होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली लेंथ होती है शॉर्ट पिच, दूसरी लेंथ होती है गुड लेंथ, और तीसरी लेंथ होती है फुलर लेंथ। जो फुलर लेंथ की बॉलें ओवर पिच बॉलें होती हैं या फिर उससे भी ऊपर फुल टॉस बॉलें होती हैं, उन गेंदों पर आप अपने बॉडी को पूरा साथ में ले जाते हुए आप बॉल को विथ बेसिक्स खेलते हैं। जब तो आप रीच करते हैं हमेशा और बेहतर खेल पाते हैं। जब आपको गुड लेंथ स्पॉट की बॉलें मिलती हैं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आप बॉल को दूर से खेल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर अपना सॉफ्ट हैंड, अपना डिफेंस तैयार रखिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है इस चीज़ की कि अगर आपको गुड लेंथ स्पॉट का बॉल मिला है तो आप उससे इत्मीनान से खेलें। वो बॉल कहीं भी ट्रैवल कर सकता है और आपको भ्रमित कर सकता है वो बॉल। इसी तरीके से शॉर्ट पिच बॉल है, शॉर्ट पिच बॉलों पर आपका हाथ खुला हुआ होता है, आपकी हाइट, आपका फोरहेड खुला हुआ होता है, और आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं कि जब आप स्क्वायर कट करने जा रहे होते हैं तो आपको या फिर पुल करने जा रहे होते हैं, ऑन साइड पर जब आप खेलते हैं तो पुल करते हैं, और जब आप ऑफ साइड पर खेलते हैं तो स्क्वायर कट करते हैं। ऐसी कंडीशन पर आपको शॉर्ट खेलने में मदद मिलती है स्क्वायर कट कर शॉर्ट पिच गेंदों पर। लेकिन सवाल इनका यह है कि हम कैसे जज करें। हम जब बॉल खेलने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सा शॉट खेलें, तो सीधी सी बात है आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसको इंडिविजुअल बाइफर्गेशन करना है। आप बॉलों को बाइफर्गेट करिए, सबसे पहले आप शॉर्ट पिच गेंदों पर जो शॉट खेले जाते हैं उनकी आदत डालिए। यानी आप अपने पार्टनर को सामने रखिए और पटकी हुई गेंदों पर, अगर आपको स्टर विकेट पर पटकी हुई गेंदें नहीं उठ रही हैं तो आप इसके लिए टेनिस बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पटकी हुई गेंदों पर फुल शॉट खेलें, अपने लगभग इनसाइड द बॉडी बॉल आती हुई बॉलों पर आप फुल शॉट खेलें, और अगर बॉल बाहर जा रही है तो आप बैकफुट पंच और स्क्वायर कट करें। लगातार करते करते स्थिति ये होगी कि आपको शॉर्ट पिच गेंदों का अंदाज़ा हो जाएगा और आप बेहतर ढंग से खेल पाएंगे। इसके बाद अगला स्पॉट आता है कि आप गुड लेंथ स्पॉट की बॉलों को कैसे खेलें। तो जब आप अंडर आर्म गेंदबाजी करवा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर आपको बार बार एक स्पॉट बनाना होगा और उस स्पॉट पर गेंद फिकवानी होगी, जिससे बल्लेबाज की आदत पड़ेगी कि वो गुड लेंथ स्पॉट पर बॉलों को खेल सके। फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पर आप अभ्यास करिए। आप फ्रंट फुट पर भी गुड लेंथ स्पॉट की बॉलों को खेलिए और बैक फुट पर भी जा करके खेलिए, जिससे आपको पंच करने की, बैक फुट डिफेंस करने की, और साथ ही साथ फ्रंट फुट पर पुश करने की, ड्राइव करने की आदत बन सके, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है आपके फुटवर्क के साथ। आपको फुटवर्क मूवमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बार बार फुटवर्क अपना ले जाना पड़ेगा। पहले आपकी हील जानी चाहिए, फिर आपका टो नीचे गिरना चाहिए, आपका बॉडी हेड डाउन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन आपको बेहतर ढंग से गुड लेंथ स्पॉट की बॉलों को खेलने के लिए सहायक होगा। इसके बाद बात आती है फुलर लेंथ की बॉलों को खेलने के लिए। तो आपके पास शॉर्ट्स, पहली बात तो शॉर्ट्स आपके खजाने में होने चाहिए। आपको बता दें कि जब भी फुलर लेंथ की बॉलें होती हैं, ओवर पिच बॉलों से आप अगर शुरुआत करते हो तो आप अच्छी ड्राइव कर सकते हो बॉल पर, आप अच्छी फ्लिक कर सकते हो बॉल पर, आप स्लैश कर सकते हो। जब आपको बॉल लगभग आपके सेकेंड लेग पर मिलती है, बैक फुट वाले लेग पर मिलती है, माफ़ कीजिएगा, अगर ऑफ साइड पर मिलती है तो आप उसको अच्छे से स्लैश कर सकते हो। इसी तरीके से जो बॉलें आपको ऑन साइड पर आती हैं और फुलर लेंथ की बॉलें होती हैं, आप उसका डिफ्लेक्शन अच्छे से कर सकते हो। आप फ्लिक की जगह लेग ग्लांस, थोड़ी सी गुड लेंथ स्पॉट की बॉल रहती है तो उस पर लेग ग्लांस कर सकते हो। लेकिन वही बॉल अगर आपके टो पर आती है, उसके हील पर आती है, तो उस बॉल को अच्छी फ्लिक मार सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको शॉट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और आप बाइफर्गेट करके अलग अलग गेंदों पर अलग अलग प्रैक्टिस करके, फिर उसके बाद आप अपने बॉलर्स के साथ जब आप नेट पर आइए तो वहाँ पर किसी भी गेंद को खेलने के लिए आपको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बेहतर ढंग से खेल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर,
देखिए इनसिंग बॉल खेलने में दिक्कत आती है, किसी भी गेंदबाज को खेलने में दिक्कत आती है। पहली बात, अगर इनस्विंग गेंदबाजी खेलने में दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके आपका बॉडी और आपका बैट दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इनसिंग बॉलें जब आप खेलते हो तो आप जिस जगह पर अपेक्षा करते हो बॉल का जो पिचिंग स्पॉट होता है वो कुछ और होता है, और बॉल जब कांटा बदलता है तो उसकी दिशा कुछ और होती है। तो ऐसी कंडीशंस पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके बॉल की विड्थ है वो हमेशा इनस्विंग तभी अच्छी होती है जब गुड लेंथ स्पॉट के आसपास बॉल गिरती है या फिर शॉर्ट पिच गिरती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप बॉल पर नज़र रखो, जहाँ पर बॉल पिच कर रही हो उस जगह पर आपका आई और हेड डाउन होना चाहिए। तो आप पूरी तरीके से नज़र रखते हो कि बॉल कहाँ आ रही है, आप उसी दिशा में अपने बैट को फ्रंट पर लाते हो अपने बॉडी के। और जब आप बैट को फ्रंट पर ले जाते हो जिस तरीके से, जैसे फुटवर्क अगर आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हो तो आप बैट को आगे ले आते हो, तो ऐसी कंडीशन पर आप आराम से स्विंग को खेल सकते हो। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा तेज बोलिए जिससे हमारे व्यूअर्स आपका क्वेश्चन भी सुन सकें। सर, गुड लेंथ पे बॉल नहीं पड़ती मेरी बॉलिंग करते समय। बॉलिंग करते समय गुड लेंथ स्पॉट पर बॉल नहीं पड़ती। देखिए, कोई भी गेंद किसी भी स्पॉट पर अगर नहीं पड़ रही है तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही हो सकता है कि आप बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोर कसर छोड़ देते हो। आप लगातार मेहनत करोगे जब तो आपकी गेंदें जहाँ चाहोगे वहाँ पड़ेंगी, आपके मनचाहे अंदाज में पड़ेंगी। इसके लिए आपको लगातार गेंदें फेंकनी होंगी, बार बार गेंदें फेंकनी होंगी। एक गेंद, दो गेंद, 100 गेंद, 1000 गेंद, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी मेहनत कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन पर आप अपने बॉडी को ध्यान में रख करके, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके, अपने इंजरीज से बचते हुए एक गोल बनाइए कि आपको एक दिन में कितनी गेंदें फेंक करके अपने टारगेट को अचीव करना है। और टारगेटेबल होइए आप अपने आप को ये ध्यान में रखिए कि जिस स्पॉट पर आप बॉल फेंकना चाहते हो क्या आप उस जगह पर वो कर पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन पर आपकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी कि गुडलिंग स्पॉट पर आप बॉल फेंक पाओगे। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? देखिए, किस हैंड से पंच मारते, थोड़ा सा तेज बोलिए। इनका क्वेश्चन है, भावना है ये कि पंच किस हाथ से मारते हैं। आप बल्ले को दोनों हाथों से पकड़ते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी बल्लेबाज अपने बैट को दोनों हाथों से पकड़ता है, और बैकफुट पर खेले गए जो भी शॉट्स होते हैं उसमें से बहुत सारे शॉट्स ऐसे होते हैं जो बॉटम हैंड पर खेले जाते हैं, और जो फ्रंट फुट पर खेले जाते हैं वो टॉप हैंड से खेले जाते हैं। तो अगर आप पंच खेलने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो बैकफुट का शॉट है, और बैकफुट पर जब आप जाते हो तो पिछले वाले पैर पर आपका बॉडी जाता है, देन आपका टॉप हैंड और बैक हैंड ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन बॉटम हैंड का यूज ज़्यादा होता है। क्योंकि फोर्स आपको जो बैट का है वो जनरली बॉटम हैंड से लगता है, और टॉप हैंड आपका हाई एल्बो में कन्वर्ट करता है जो आपके हेड के आसपास कहीं जाके गिरता है। आप फिर से देखिए इस चीज़ को कि आप पहले अपने बैक फुट पर जाते हो, देन आप अपने बैक फुट पर अपने बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करते हो, और देन आप अपने जब शॉट्स को खेलते हो तो ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए टॉप हैंड को हाई एल्बो में कन्वर्ट कर देते हो। यही आपके बैक फुट पॉइंट के लिए सबसे बेटर होता है, बेस्ट होता है। कोई और क्वेश्चन? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आवर सेशन। आपको बता दें कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो बच्चों के बीच में होते हैं, बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, इसे आप जरूर देखते रहिए, और अपने भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में डालिए जिससे हम आपको उस वीडियो के माध्यम से बता सकें। जो दूर दराज से बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो ये सीख सकें और समझ सकें कि किस तरीके से क्रिकेट में अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से क्रिकेट को अच्छा किया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, हमारे Instagram ID girls_cricketstar को फॉलो करना भी कतई ना भूलें। शुक्रिया।